नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बड़ी सूचना, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में निकाली गई भर्ती से संबंधित आई हुई है। और जो भर्ती है वो सेवा काल में, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सेवा दे रहे हैं पुलिसकर्मी, तो सेवा काल में जो मृत पुलिस कर्मी हैं, उस भर्ती से रिलेटेड सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हुई है। आप लोग भी इसका अवलोकन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट कर इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप लोग वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। मामला क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मामला इसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए, सेवा काल में जो मृत पुलिस कर्मी है, इनके आश्रितों के सेवा योजन के अंतर्गत मृत आश्रित के रूप में पुलिस उपनिरीक्षक यानी एसआई लेवल नागरिक पुलिस के रिक्त 44 पदों पर भर्ती के अंतर्गत विभिन्न तिथियों पर जो संपन्न है परीक्षा वो कराई गई। शारीरिक दक्षता मूल्यांकन परीक्षा यानी कि दौड़ में सफल 278 अभ्यर्थियों की सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पद पर भर्ती के अंतर्गत टंकन परीक्षा में सफल पाए गए 7 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के संबंध में सूचना जो है वो जारी ऑफिशियल वेबसाइट पर की गई है। ठीक है ना, अभी देखिए जो आगामी पुलिस भर्ती है इसके बारे में बहुत ही मुश्किल है कह पाना, लेकिन इस भर्ती के जो ज़्यादा चांस बन रहे हैं वो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांस बन रहे हैं। ये वैकेंसी ऐसा नहीं कि आएगी नहीं, आएगी तो बिल्कुल, लेकिन जो तो ये आएगी तो बिल्कुल, लेकिन इसके लिए जो महीना है वो फिक्स नहीं है। आखिर जनवरी में आएगी, दिसंबर में आएगी, फरवरी में आएगी, इतना जरूर है कि आएगी जरूर। ठीक है ना, चलिए। तो ये सूचना जो है 44 पद थे जिसमें 278 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए। अब 7 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के आयोजन के संबंध में सूचना जो है वो यहाँ पर डाली गई है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि 160 इसमें प्रश्न कराएंगे, ये लोग 2 घंटे का समय देंगे। और जो सिलेबस है आपका, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है कि जो सिलेबस है, अभ्यर्थियों की सूचनार्थ प्रदर्शित की जा रही है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर संबंधित प्रस्तावक जनपद के समक्ष अधिकारी से मोहर सत्यापित कराकर लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें। ठीक है ना। अच्छा, वाइटनर या ऐसी किसी वस्तु का प्रयोग जो है वो वर्जित नहीं है, सॉरी वर्जित है, वर्जित नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें लागू होगी। 7 अभ्यर्थी, कुल 285 अभ्यर्थियों की बोर्ड स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना, ये अलग अलग वैकेंसी है, एक लेखा की वैकेंसी है, दूसरी मृतक आश्रित में अलग है, उपनिरीक्षक वाली जो पोस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर मतलब बताया गया है। तो आप लोग इसका ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट कर लीजिए, जो जो लोग इसमें शामिल हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस भर्ती से जुड़ी हुई सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हुई है, एक बार आप लोग विजिट कर लें, वहाँ पर सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। जय हिंद।